हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ, सराहना करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं मेरी इस वीडियो से। और हाँ, कुछ लोगों ने कमेंट किया है और यदि आप रियली इससे फ़ायदा उठा पा रहे हैं और इट विल रियली हेल्प यू, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट। कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करें सो दैट मैं समझ सकूं कि हाँ, मेरा जो मेहनत है वो सार्थक जा रहा है। थैंक यू। सो आज हम 11th का जो रेनबो बुक है Part-1, उसका प्रोज जो कि Chapter 8 है अप टू Chapter 7। Chapter 7 तक मैं ऑलरेडी सारा ट्रांसलेट कर चुका हूँ, आप जाके मेरी वीडियो में देख सकते हैं जो पार्ट वाइज में है। तो आज मैं Chapter 8 का ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ कि अपना बेस्ट दूँ। सो आपको कहीं लगे, इन केस यू फील लाइक दैट इज नॉट गुड और एनी चैलेंज यू आर फेसिंग, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कम टू मी टू कमेंट मी। और अच्छा लगे तो आप अच्छा कमेंट भी डालें। थैंक यू सो मच। सो ये चैप्टर का नाम है मदर इंडिया और इसको एक क्रांतिकारी लीडर, जो बहुत ही क्रांतिकारी धमाकेदार नेता रहे थे इंडिया के, उनके द्वारा लिखा हुआ है, जिनका नाम सब कोई जानते हैं और ही नन अदर देन सुभाष चंद्र बोस। वो कोई और नहीं है, उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सो अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। सुभाष चंद्र बोस जिनका कार्यकाल रहा 1897-1945, 1897 से 1945 के बीच में इनका कार्यकाल रहा, जीवन मृत्यु का टाइम रहा। पॉपुलैरिटी पॉपुलरली कॉल्ड नेताजी, और इनको लोकप्रियता से, इतना लोकप्रिय थे कि क्रांतिकारी नेता थे कि उस लोकप्रियता से इनको नेताजी के नाम से पुकारा जाता था। वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century, और जो कि नेताजी एक महान राष्ट्रवादी नेता थे जो कि 20वीं शताब्दी के पहले भाग के नेता थे। कब के थे? 20वीं शताब्दी में थी, उसके पहले चरण के ही नेता थे, बहुत ही पॉपुलर नेता थे, राष्ट्रवादी। He led the revolutionary Indian National Army during World War II to liberate India, और उन्होंने नेतृत्व किया किसका? एक क्रांतिकारी सेना का, भारतीय क्रांतिकारी सेना का, वर्ल्ड वॉर टू था उसके दौरान। किस लिए? भारत को मुक्त कराने के लिए। हिज फर्स्ट कॉन्शियस स्टेप एज अ रिवोल्यूशनरी वॉज टू रिजाइन फ्रॉम द सिविल सर्विसेस ऑन द प्रेमिस दैट द बेस्ट वे टू एंड अ गवर्नमेंट ईज टू विड्रॉ फ्रॉम इट, राइट। उनका जो पहला जानबूझ कर सोचा समझा जागृत कदम था जो उन्होंने उठाया, ठीक है, एज ए रिवोल्यूशनरी, एज ए क्रांतिकारी के रूप में, वो था कि उन्होंने सिविल सर्विस से रिजाइन दे दिया था, राइट। और उस रिजाइन देने का उद्देश्य यह था कि उनका कहना था कि यही एक अच्छा तरीका है, बेस्ट वे है सरकार को खत्म करने का, सबसे आसान तरीका है उससे पीछे हटना। और जो इन्होंने ये चीज को किया तो उससे पीछे हटा, अपने आप को रिजाइन दिया। ब्रिटिश इंसल्ट्स टू इंडियन इन पब्लिक प्लेस वर ऑफेंसिव टू हिम। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो इंडियन लोग को, भारतीय जनता को,
इंडिविजुअल को भीड़ में बेइज्जती करती थी वो इनको बड़ा बुरा लगा करता था। ऑन अगस्त 1895 अगस्त 1945 को ही वॉज en route to the Soviet Union in a Japanese plane when it crashed in Taipei. 18 अगस्त 1945 को वह यात्रा पे थे, जो यात्रा किस यात्रा पे थे, सोवियत यूनियन की यात्रा पे थे, और वो बैठे हुए थे जापान की प्लेन में, जापान की हवाई जहाज में, प्लेन में, और वो प्लेन क्रैश हो गई। क्रैश मतलब उसमें एकाएक इंसिडेंट हो गई और पूरी पूरी बर्बाद हो गई वो प्लेन। कहाँ पे? ताइपे में। ही इज बिलीव्ड टू हैव डाइड इन द क्रैश, और ऐसा माना जाता है कि उसी इंसिडेंट में, उसी प्लेन के क्रैश में इनकी जान गई और इनकी जान गंवाई गई। Netaji was religious and spent much time in meditation. Netaji बड़े ही धार्मिक थे और वो काफी टाइम ध्यान में बिताया करते थे। This aspect of his life is best reflected in the letter Mother India. ये जो उनका लाइफ का पहलू था, शुरू था, ये अच्छी तरह से नजर आता है किस बुक में, एक लेटर लिखा है उन्होंने, उसका नाम है मदर इंडिया। मदर इंडिया लेटर में उनकी स्वरूप अच्छी तरह से नजर आती है। विच वंडरफुली ब्रिंग्स आउट द कंसर्न ऑफ अ सेंसिटिव सन, राइट, जो एक संवेदनशील बेटे की चिंता को आश्चर्यजनक रूप से सामने लाता है इस लेटर के द्वारा। तो लेट्स जंप इन द स्टोरी, चलते हैं स्टोरी में। अब मदर इंडिया, कटक, कटक एंड सैटरडे, डे का नाम है, जगह का नाम है, लेटर, बेसिकली ये लेटर लिखा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जिसको इस चैप्टर में शामिल किया गया था, जिसे हमें पढ़ना है। रिवर्ड मदर, पूजनीय परम पूज्य माँ, टुडे इज द फाइनल डे ऑफ द पूजा, आज पूजा का लास्ट डे है, लास्ट डेट है। यहाँ पे दुर्गा पूजा के बारे में बताया जा रहा है। सो आज दुर्गा पूजा का लास्ट डेट है, लास्ट डे है। सो यू मस्ट नाउ बी इन आवर कंट्री होम, engrossed in the worship of the goddess, right? इस तरह से तो आप अब देवी की पूजा में लीन, right? हमारे देश में होंगे, हमारे कंट्री में होंगे। I expect the puja this year will be performed with great pomp and ceremony, right? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ कि जो इस साल का भी पूजा होगा वो बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही आडंबर, बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा। बट मदर, इज देयर एनी नीड ऑफ पॉम्प एंड सेरेमनी, लेकिन माँ क्या यह जरूरी है इतना आडंबर करना, इतना उत्सव मनाना? इट इज enough if we invoke the one we seek to attain with all our heart and in all sincerity, right? कह रहे हैं कि यदि ये क्या काफी नहीं होगा कि यदि हम सभी अपने ईमानदारी और दिल से प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, ये काफी नहीं होगा? What more is needed? और क्या ज्यादा जरूरत है, उससे ज्यादा क्या आवश्यकता है? When devotion and love take place of sandalwood and flower, our worship